Mandeep is that modern-day hockey forward whose sights surely are locked on goal, but also believes that assists form an equally potent weapon. After the Tokyo bronze medal, India's first podium finish in 41 years, Mandeep since then has constantly emphasized that India will change the color of its medal in Paris, go one better. The rangy centre forward with his windmill-like arms believes that losing the Test series against Australia was disappointing, but the lessons learnt were of utmost importance. Confidence has not been eroded before Paris, he says, but at the same time stresses on India improving their attacking and defending prowess. बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि ओलंपिक से पहले हमें ये टूर्नामेंट खेलने को मिला सीरीज, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी और पांच मैच खेले हमने. बिल्कुल पहला मैच हमारा अच्छा नहीं गया था, वो 5-1 हम डाउन रहे थे, बट उसके बाद अगर देखा जाए टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बल्कि नहीं जीत पाए बट स्टिल स्कोरिंग पावर देखी जाए, अगर उसका बिल्डअप देखा जाए तो वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब आप एक अच्छी टीम के साथ खेलते तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो आई थिंक ये ओलंपिक से पहले हमें ये टॉप टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम है, अच्छी टीम है, इनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला, और एक ये था कि प्रिपरेशन के लिए, एक ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए ये टूर्नामेंट हमें मिला है. तो पहले दो मैच आई थिंक नहीं अच्छे थे, बट अगर देखा जाए लास्ट 3 मैच हमने बहुत अच्छे खेले हैं. बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अगर देखा जाए कि नॉर्मली हम टूर्नामेंट में फील्ड गोल बहुत करते हैं, पीसी पे तो होते ही हैं फील्ड गोल करते थे, बट इस बार अगर देखा जाए 2 गोल ही हमने फील्ड गोल किए थे, तो उसके ऊपर अभी हमने बहुत वर्क किया है. जो कोच हमारे हैं क्रेग, बहुत ज़्यादा वर्क अच्छा करा रहे हैं. अभी कैंप में जैसे 2 टाइम हमारी प्रैक्टिस होती है, तो आई थिंक स्ट्राइकरों की अलग से प्रैक्टिस भी होती है 15-20 मिनट, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हमें और चीज़ें सीखने को मिल रही है. डी के अंदर आपको कैसे पोजिशनें रखनी है, कैसे आपको स्कोरिंग करनी है, तो बिल्कुल वो चीज़ अभी हम फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर. Traditionally, forwards have been looked upon as scoring machines. In the modern version of the sport, they have also evolved as creators and provide assists to other strikers. Mandeep, in that regard as a player, has matured creating penalty corners, giving the team that extra opportunity to score. नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब मैच जंग था तो आई थिंक जैसे हम मेरे सीनियर प्लेयर थे, सुनील पाजी थे, शिविंदर पाजी के साथ भी मैं खेला हूँ, तो तब वो गोल करवाते थे. तो अभी जैसे अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, अगर जो भी जंग लड़का आया है कि मैं अगर इंडिविजुअल रहूँगा तो मैं उसको क्या बताऊँगा, तो वो चीज़ अभी मेरे में रहता है कि मैं अब असिस्ट कराऊँ. अगर नहीं भी हो पा रहा है तो अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी शॉट ऑन टारगेट बन रहा है, तब मैं शॉट मारता, नहीं तो आई थिंक वो वहाँ जा आउटकम या फिर गोल करवाता. On the disappointing test series loss to Australia, Mandeep sees a silver lining, calling it a learning curve for the team. He does believe that defending well enables a team to be more attacking, get more goals. बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, सीखे आए हैं, और अभी कैंप में हम वो चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, और हमारा यही है कि जो डिफेंड टू विन, अगर आप अच्छा डिफेंड करोगे तो आप आगे जाके गोल कर सकते हो. तो आई थिंक डिफेंस में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, अटैकिंग में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है. नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग हॉकी खेलती है तो प्रेस लगाती है, तो ऐसे ही हमारा, हम भी अटैकिंग हॉकी खेलते हैं, हमारी डिफेंडर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो आई थिंक अभी प्लेयरों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, नॉर्मली हम बातें भी कर रहे हैं, अगर देखा जाए मीटिंग में बातें कर रहे हैं, इंडिविजुअल मीटिंग चल रही है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो क्या एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप ग्राउंड में कुछ भी कर सकते हो. तो आई थिंक अच्छी डिफेंस अगर देखा जाए अच्छी है, मिड अच्छी है हमारी. Tokyo was a high point for a nation that won a medal after 41 years. Decades of hockey domination with 8 Olympic golds and nothing to show after 1980 Moscow had dulled the emotional pull that hockey has. With the bronze in Tokyo, Mandeep and the rest of the team are confident of once again reaching the podium and changing the color of the medal. बिल्कुल, क्योंकि लास्ट जैसे बहुत टाइम बाद मेडल आया है, 41 ईयर के बाद मेडल आया है, बट स्टिल अगर देखा जाए अभी अगर हम तब हॉकी ऊपर ले गए हैं तो अभी एक हमारे पास और चांस है कि हम हॉकी को ऊपर लेके आएँ, और हमारा यही है कि हम अपना कलर चेंज करना चाहते हैं मेडल का, तो यही है कि हम अभी अपना बेस्ट देंगे, कि यही है कि हमारा हम अपने गोल्ड के लिए हम जाएंगे, तो इसलिए हमारा हार्डवर्क अच्छा चल रहा है, तो हमारा यही रहेगा कि हम अपना बेस्ट देंगे. Mandeep believes that even though first games in the Olympics are important, a lot depends on how the PC battery fires for India.
बिल्कुल, अगर देखा जाए कि सभी टीम की जो पीसी है वो बहुत अच्छे हैं, तो मेन यही रहता है कि हम पीसी पे गोल ना खाएं, क्योंकि हमारी पीसी डिफेंस अच्छी है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है, तो हमारा यही रहता है कि हम पीसी पे गोल ना खाएं, क्योंकि नॉर्मल फील्ड पे हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस अच्छी है, तो मेन हमारा फोकस यही रहता है कि हम पीसी पे गोल ना खाएं। जब हम पीसी बनाते हैं तो हमारे गोल निकलते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि जब हम न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि टफ टीम है, ठीक है, तो हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीसी बनाएं उनके खिलाफ, क्योंकि वो धक्का मुक्की रहता है, तो हमारा भी रहता है कि हाँ हम पीसी बनाएं, वहाँ क्रिएट करें, क्योंकि हमारे लिए एक स्पेशल वो पॉइंट रहता है कि डी में आसपास जब भी बार रहती है तो हम अपना बेस्ट देंगे वहाँ पे, तो हमारा वहाँ आउटकम निकलेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पीसी नहीं तो फिर गोल ऑन टारगेट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला है कि फील्ड गोल हमारे नहीं निकले हैं, क्योंकि नॉर्मली मैचेस में हमने बहुत फील्ड गोल किए हैं अगर लास्ट टूर्नामेंट देखा जाए, बट यही रहता है कि अगर फील्ड गोल नहीं भी निकल रहा है तो हम पीसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पीसी बहुत अच्छा है, हमारे वन ऑफ बेस्ट ड्रैग फ्लिकर है हमारी टीम में, हरमन है, जुगराज है, अमित रोहिदास है, तो ये अच्छे हैं, हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हमें हमारे में डी में जाके हमसे कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम हम पीसी बनाएं, क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा गोल निकलता है। अगर फील्ड गोल नहीं भी निकल रहा है तो हम आगे इधर अपनी प्रैक्टिस करते हैं स्पेशल कि हाँ अगर फील्ड गोल नहीं निकल, नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम एक टारगेट बना के जाते हैं कि हाँ वहाँ पर जाके हमारा गोल फील्ड गोल निकले। Attacking versus defending has been the conversation for those who are trying hard to understand the style that India will employ in Paris. In Tokyo, they played an attacking game, but that was under Graham Reid. Craig Fulton's sense tells him India need to be a better defensive unit. बिल्कुल, but I think जो अभी Craig coach आए हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि डिफेंड टू विन। अगर आप डिफेंड पहले करोगे तो आप काउंटर, क्योंकि सभी को पता है इंडिया का काउंटर अटैक बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आप डिफेंड अच्छा करोगे तो आपका काउंटर अटैक तो नॉर्मली आपको पता है 100% कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके आउटकम मिलेगा, तो आई थिंक डिफेंड भी बहुत ज़रूरी रहता है टीम के लिए, अगर डिफेंड अच्छा है तो आप अटैक अच्छा कर सकते हो।